नूपुर शर्मा बीजेपी की नेता है। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई मुसलमान लीची की फोटो को दिखाकर शिवलिंग बता दे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर अफसोस अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगर बीजेपी के कितने ऐसे नेता हैं, जब तक मुसलमानों का नाम ना ले उनका खाना हजम नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी, आपसे गुजारिश करती हूँ, ऐसा कोई कानून बनाए जिससे देश का माहौल ना बिगड़े और जो गुस्ताखी करे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी है। मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की मुहिम चलाई जा रही है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जो मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाता या उनको टारगेट नहीं किया जाता। हर एक तौर तरीका अपनाया जाता है। बात कभी हमारे मस्जिदों पर आ जाती है तो कभी हिजाब से प्रॉब्लम, कभी मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, कभी जय श्री राम न बोलने पर मार दिया जाता है तो कभी मुसलमान होने से मार दिया जाता है, कभी अजान से प्रॉब्लम तो कभी नमाज से, कभी कहते हैं मस्जिद में लाउड स्पीकर बंद कर देंगे तो कभी मस्जिद को तोड़ने की बात करते हैं। रामनवमी जुलूसों में मुसलमानों पर अटैक किया जाता है, मुसलमानों को देश से निकालने की बात होती है। हमारे हिंदू भाइयों को हमारे खिलाफ भड़काने के लिए कश्मीर द फाइल जैसी मूवी बनाई जाती है तो कभी तबलीगी जमात पर बेबुनियाद कोविड 19 फैलाने के इल्जाम लगाए जाते हैं। आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, CEA, NRC और अब बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब उनको कुतुब मीनार, ताजमहल में भी मंदिर नजर आते हैं क्योंकि उसे मुगलों ने बनाया था। अब इतनी सारी चीजें हैं और अब वो कल क्या करने वाले हैं या क्या बोलने वाले हैं या क्या होने वाला है ये हम सोच भी नहीं सकते। ये वक्त ऐसा है, हमें एकजुट होना चाहिए और अपने लोगों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हर सेक्युलर इंडियन को, हिंदू भाई को इन चीजों के खिलाफ बोलना चाहिए। ये वक्त ऐसा है, हर मुस्लिम लीडर कोई भी पार्टी से हो इसके खिलाफ बोलना चाहिए। और जो लीडर सेक्युलर होने का वादा करते हैं, जो मुसलमानों के वोट लेते हैं, उनको भी इन चीजों के खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन सब खामोश है।